दिन में तेज धूप निकलने से लोगों को भले ही राहत मिल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सर्दी अभी चली गई है। सुबह और शाम की ठंड ने अभी भी लोगों की कपकपी छुटा रखी है। मैदानी इलाकों में भले ही मौसम से राहत मिल रही है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में मौसम ने अभी भी कहर ढाया हुआ है। उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश और बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली NCR में भी बारिश की बात कही गई है। आइए बताते हैं आपको देश भर का मौसम कैसा रहने वाला है। पिछले 24 घंटों से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो मध्य भारत में 26 तारीख और 27 को गरज के साथ बारिश की आशंका जताई गई है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं दिल्ली में आंशिक तौर पर बादल भी छाए रहेंगे। मौसम विभाग की माने तो 25 फरवरी को दिल्ली में बादलों का डेरा रहेगा और अधिकतम तापमान 26 डिग्री के आसपास रह सकता है। इसके अलावा बात करें यूपी की तो राजधानी लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रहने वाला है। लखनऊ में आज आसमान साफ रहने के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में लखनऊ में अधिकतम तापमान में बढ़त देखने को मिल सकती है। गाजियाबाद की बात करें तो न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 23 डिग्री के आसपास रह सकता है। वहीं गाजियाबाद में भी आसमान साफ रहेगा, लेकिन यूपी में पारा बढ़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले दो दिनों तक तापमान में और बढ़ोतरी देखी जा सकती है। तो वहीं आपको जम्मू कश्मीर का हाल बताएं तो यहां लगातार बारिश और बर्फबारी का कहर जारी है। बर्फबारी के चलते बड़ी संख्या में लोग यहां कश्मीर और श्रीनगर में घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD के अनुसार आने वाले बुधवार तक बारिश और बर्फबारी का दौर यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। साथ ही मंगलवार को हल्की बारिश के बाद दिल्ली NCR के साथ साथ चंडीगढ़ से फरीदाबाद तक मौसम में बदलाव देखा जा सकता है, जिसकी वजह से तापमान में भी गिरावट आएगी। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी यानी SkyMet के मुताबिक आज अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका जताई गई है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में छिटपुट से हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद जताई गई है और इसी के साथ ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट पर हल्की बारिश होने की बात कही गई है। बहरहाल आपको बता दें कि इन दिनों मौसम में बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसका असर सीधा लोगों की सेहत पर पड़ रहा है, जिसमें लोग काफ़ी बीमार पड़ रहे हैं और खासकर से बच्चों पर इस मौसम की मार ज़्यादा पड़ रही है। ऐसे में लोगों का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।